तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कैरी मिनाटी के बारे में, कैरी मिनाटी का यादगार सॉन्ग के बारे में। कैरी मिनाटी का यादगार सॉन्ग बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रेंड कर रहा था एंड इसी के बारे में वो अपने यूट्यूब पर ये पोस्ट किए। #6 ट्रेंडिंग वर्ल्ड वाइड, आई कांट थैंक यू इनफ, मी एंड माई ब्रदर गेव इट अवर ऑल इन दिस एंड यू गाइज इन्जॉय इट, दैट मीन्स एब्सोल्युटली एवरीथिंग टू मी एंड माई ब्रदर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बीबीके वाइंस के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स से यूट्यूबर्स में से इंस्टाग्राम पर एंड सेकंड नंबर पर है आशीष चंचलानी। लेकिन जब से यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, तब से कैरी मिनाटी के 4 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े इंस्टाग्राम पर। जी हाँ दोस्तों, 4 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े इंस्टाग्राम पर एंड अब वो आशीष चंचलानी को भी पीछे छोड़ दिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हिंदुस्तानी भाव के बारे में। हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर के अगेंस्ट FIR दर्ज किया था एंड कोई रिप्लाई नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एकता कपूर क्या कर रही है, मतलब जो भी कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा है एंड उनके खिलाफ इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट कर रहा है तो उनके यूट्यूब के वीडियो पर कॉपीराइट एंड इंस्टाग्राम की पोस्ट डिलीट करवा रही है एंड इसी पर बहुत गुस्सा होते हिंदुस्तानी भाव अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किए। जय हिंद दोस्तों, ये बेशरम लोग, इनको अभी भी जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी शर्म नहीं इनको। ये अभी क्या कर रहे हैं मालूम, हिंदुस्तान की जनता जो आवाज उठा रही है उनके पोस्ट डिलीट करवा रही है, स्ट्राइक मार रही है, ऐसा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज बंद हो जाएगी। पहला मुझे पैसे से खरीदने का कोशिश किया, फिर धमकी देने का कोशिश किया, अभी किधर से पता चल रहा है कौन से ना कौन से केस में मेरे को अटकाने का कोशिश करने वाले। कितने जन को अटकाएंगे, हाँ मुझे अटकाएंगे, हिंदुस्तान के सारे सारे जनता को अटकाएंगे जो आर्मी के खिलाफ, आर्मी के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है, सबको अटकाएंगे। एक को तो हाथ लगाइए, फिर इस मुंबई में तांडव होगा। एंड हिंदुस्तानी भाव एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड मिला, इसके बारे में एक ट्वीट करते हैं। एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड क्यों दिया, उसने ऐसा क्या योगदान दिया इस देश के लिए? मेरी विनंती है कि हमारे राष्ट्रपति जी से कि जल्द से जल्द एकता कपूर का पद्मश्री अवार्ड वापस लिया जाए। एंड बहुत सारे पॉलिटिशियन को टैग करते हुए एक ट्वीट किए। आज के वीडियो में बस इतना सा, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।